कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। शांत भाव से भगवान पार्श्वनाथ की इस कथा का श्रवण करने का मन बना है। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। मंगल भवन मंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी सुख संपत सब ही घर आवे जो भविजन पारस गुण गावे। गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम ज्ञान ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम ज्ञान गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम ज्ञान की ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम ज्ञान की ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा आनंद राजा के उस पिछले भव के साथ चल रही है जिसमें वह आनंद राजा बहुत अच्छी भावनाओं को भाते भाते मुनि महाराज बन जाते हैं। भावनाएं भावनाशनी कही गई हैं और वह इसीलिए कही गई कि उन भावनाओं के माध्यम से हमारे अंदर अपने ही संसार को नाश करने की खुद ब खुद शक्ति आ जाती है। जब हम भावनाओं के माध्यम से अपने मन को अपने हृदय को भावित कर लेते हैं तो हमें लोक का सच्चा स्वरूप ज्ञात हो जाता है और निज और पर दोनों के बारे में हम अच्छे ढंग से जानने लग जाते हैं। ऐसी भावनाएं भाकर के जब वह आनंद मुनि महाराज तप करते हैं तो उन तपों को करते हुए भी वह खेद खिन्न नहीं होते हैं। तप करते हुए प्रसन्नता आना खेद खिन्नता नहीं आना यही उस तप के प्रति हमारा सबसे बड़ा आदर कहलाता है। आपको कहा था अपने उपेय की प्राप्ति करने के लिए तप भी हमारे लिए एक उपाय है और उस उपाय को अगर हम पूरी प्रसन्नता के साथ पूरे आदर के साथ स्वीकारते हैं तो वही उपाय हमें उपेय की प्राप्ति कराता है।
इसलिए उपाय को अपनाने का विचार सबका होता है, किंतु किस प्रसन्नता से उस उपाय को अपनाना यह हर कोई नहीं जान पाता। वह आनंद मुनि महाराज उसी उपाय में लगे हुए हैं जो उपाय हम थोड़ा थोड़ा सा सुनते हैं, जानते हैं, और उस उपाय को सुनते हुए छह प्रकार के हमने बाहरी उपाय सुने थे और छह प्रकार के भीतरी उपाय सुने थे। उन्हीं उपायों में जो पहला उपाय है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया जा रहा है। दिन सो ले या बरस लगी करे, चार प्रकार असन परिहरे, राग रोग निर्दलन उपाय, सोवन सन बाख्यो जिन राय, पौन अर्ध चौथाई टेक, एक ग्रास अथवा कण एक, ऐसी विध जो भोजन ले, जैसी प्रथम प्रतिज्ञा करे, ताही विद भोजन आदरे, सो कही व्रत परिसंख्यान, आशा व्याधि विनाशन जान, लवणादिक रस छारी उपाय, नीरस भोजन भुंज साध, रस परित्याग कहावे, इंद्रिय मदनासन यहने, शून्य गेह गिरि गुफा मसान, नारी नपुंसक वर्जित थान, बसे भिन्न से नासन सोय, या सो सिद्धि ध्यान की होय, ग्रीष्म काल बसे गिरिशीस, पावस में तरुवर तल दीस, शीत समय तटनी तट रहे, काय गणेश कहावे यही। जिनका संक्षिप्त से नामोल्लेख पहले किया था उन्हीं का थोड़ा सा विस्तार करते हुए यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि वह छह बाहरी उपाय कौन कौन से हैं जिनसे हम अपने उपाय के पास पहुँचते हैं, हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचते हैं। और इन उपायों में सबसे पहला है अनुशन, जिसका मतलब होता है एक दिन से लेकर के एक वर्ष तक चार प्रकार के आहार का त्याग करना, यह अनुशन व्रत कहलाता है, तप कहलाता है। कब से लेकर कब तक? कम से कम तो एक दिन होना ही चाहिए। एक दिन से लेकर के दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक महीना, छह महीना, और लगातार अगर अधिक से अधिक कर पाओगे तो कितना उसके बीच में चली जाओगे। एक वर्ष से ज्यादा का उपवास शायद हो नहीं पाता और किसी ने अभी तक किया भी नहीं। और शास्त्रों में, मूलाचार आदि ग्रंथों में अधिकतम सीमा छह महीने की लिखी हुई है। एक बार जो हम संकल्प लेते हैं वो अधिक से अधिक छह महीने तक का ले सकते हैं। हो सकता है कि छह महीना लेने के बाद आपका मन और बन जाए तो फिर छह महीने का और बढ़ा सकते हो, लेकिन एक वर्ष से ज्यादा कोई दूसरा बाहुबली पैदा नहीं हुए। एक वर्ष का उपवास करते करते वो अपने उपाय को प्राप्त कर गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर गए। यह उस अनशन तप की, उस उपाय की यह महिमा है जो आपके सामने दिखाई देती है। वह बाहुबली भगवान की मूर्ति अपने आप में यही कहती है कि तप के माध्यम से अंतरंग केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है, और उस तप की महिमा थी जो वह एक वर्ष के उपवास के उपरांत उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे वह बाहुबली भगवान आज भी श्रवण ग्रेल गोल में जहां पर भी स्थित हैं, वो भले ही हमसे बहुत दूर स्थित होते हों, लेकिन भव्य जीवों के मन में वह मूर्ति हमेशा झूमती रहती है।
क्यों? इसी तप के कारण से। वह एक दिन का भी तप हो सकता है, दो दिन का भी हो सकता है, तप तप ही होता है, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। और यही कहा गया, शक्ति के अनुसार तप जरूर साधना। अनेक लोग तप की साधना करते हैं, एक एक महीने के भी उपवास कर लेते हैं, 16 कारण के 30-32 उपवास तक भी कर लेते हैं, बीच बीच में कभी कभी कोई कोई दिन पानी भी ले लेते हैं, तो भी वह उपवास ही कहलाता है। इस तरह की साधना करने वाले लोग आज भी हैं। और यह अनशन अपने आप में एक ऐसा व्रत है, राग रोग निर्दलन उपाय। आप कहते हो ना, राग का बहुत बड़ा रोग हमारे अंदर लगा हुआ है, उस राग रोग को दूर करने का, उसको दलने का एकमात्र उपाय है तो वो क्या है? अनशन तप है। हर व्यक्ति के अंदर इस तप की महिमा आती है, लेकिन अगर आपके अंदर राग की वृद्धि हो जाती है तो आप इस तप को नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप मन बनाएंगे कि हम अनशन कर लें, आपका मन कहेगा क्या फायदा निकलेगा, एक दिन शरीर को सुखाएंगे, एक दिन शरीर को तपाएंगे, सधेगा नहीं, है ना, ये विचार मन में आएगा, शरीर शिथिल पड़ जाएगा, शरीर में रोग हो जाएंगे। और ये विचार आते ही आपका मन अनशन करने का छूट जाएगा। ये विचार कैसे आता है? वास्तविक स्थिति को लेकर के आता है या राग की स्थिति को लेकर के आता है ये विचार करना? क्या हमारे लिए एक दिन के अनशन से, हमारे शरीर में शिथिलता आने से क्या हम रोगी हो जाते हैं? क्या हमारे लिए कोई भी तरह की उस शरीर के साथ में सहनशीलता नहीं रहती, या हम वास्तव में परेशान हो जाते हैं, या हमारे लिए रात में दिन में चक्कर आते हैं या उल्टियां होती हैं, ये परेशानियां वास्तविक हैं या हमारे अपने मन की उपज है? ये विचार करना पहले। इन परेशानियों की अगर वास्तविकता होती है तो शक्ति के अनुसार तप करना, और अगर ये नहीं भी होती है और केवल हम अपनी मन में इस तरह की भ्रांतियां ले आते हैं तो ये मन के राग के कारण से होता है। शरीर के प्रति राग बना रहता है, इसलिए उस राग के दलने का उपाय आचार्यों ने बताया। और उस राग की कमी से न केवल आपका तप होता है, किंतु आपके लिए उस तप के माध्यम से इच्छित वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है और आत्मा की शुद्धि भी होती है, कर्म की निर्जरा भी होती है। यह तप एक साधन कहा गया। आज रोड तीज व्रत है ना, कल आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस था, दूस थी। कल आपने देखा कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की, ऐसे कोई तप ही ना बचे जो उन्होंने ना किए हों। जितने भी बड़े बड़े उपवास, बड़े बड़े व्रत हो सकते हैं, तप हो सकते हैं, वो सब उन्होंने अपने जीवन में साध लिए। ये तप की साधना उन्होंने की। आज तीज है, क्या करते हैं आज के दिन आप लोग? रोटियां बनाते हैं मोटी मोटी और खाते हैं, इसी का नाम व्रत होता है। आज शायद ये महिलाएं उसी रोटियां बनाने में लगी हुई हैं, अन्यथा महिलाओं का पोर्शन आज तक कभी भी खाली नहीं रहा जो आज पहली बार दिख रहा है। सबको व्रत करना है। और यह व्रत कैसे किया जाता है तो आप ये समझें कि रोट तीज यह व्रत क्या ये वास्तव में हमारे लिए व्रत के रूप में है, धर्म के रूप में है, ये भी कई लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन हमारे पास एक रोट व्रत तीज की ये कथा आई है।
और उस कथा को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह जो पर्व है यह पर्व लौकिक नहीं है, यह पर्व धार्मिक ही है। और यह रोट तीज मनाने की प्रथा कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, तो यह उज्जैनी नगरी में एक सेठ थे सागरदत्त नाम के, वहां से शुरू होती है कथा। और यह कथा का संबंध भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के समोसरण में राजा श्रेणिक के प्रश्न के माध्यम से भी जोड़ा गया है। सागरदत्त नाम के सेठ हैं, उज्जैनी के हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, 56 करोड़ दीनारों के वो स्वामी हैं। उनके जहाज चलते हैं, बड़े बड़े बेड़े, जैसे आप लोगों के बहुत बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, ऐसे ही उनके चलते थे। और उन जहाजों में खूब माल आता है जाता है, बहुत बड़े वह सेठ हैं, बहुत बड़ा उनका जौहरी का काम है, जवाहरातों का काम है। और उन सेठ के 7 पुत्र हैं, कितने, 60 नहीं कह रहा, 7 वंडर्स। और उन सबकी धर्म पत्नियां हैं और घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, उनकी बेटी है उसका विवाह हो गया है, सेठानी भी बहुत मजे में है। एक बार उन्हें मुनि महाराज का दर्शन का लाभ मिला सेठ जी को अपनी उद्यान में, और उन्होंने मुनि महाराज के दर्शन करके उनके उपदेश सुने। तो उपदेश में मुनि महाराज ने, और क्या कहेंगे, श्रावक के व्रतों का उन्हें ज्ञान कराया। जब उन्होंने श्रावक के व्रतों का वर्णन सुना तो उनका मन अच्छा हुआ, और फिर मुनि महाराज ने कहा कि इन श्रावक के व्रतों को धारण करने से ही श्रावकपना सफल होता है। तो मुनि महाराज ने जब इस बात को कहा तो उन सबके लिए अच्छा तो लगा लेकिन कठिनाई भी महसूस हुई। तो उस समय पर उनकी जो सेठानी थी वो कहने लगी, महाराज कोई ऐसा सरल सा व्रत बता दो जो रोज रोज ना करना पड़े। ये व्रत तो हमें अब आपने बड़े कठिन से बता दिए, 1 महीने के लिए शुद्ध भोजन करना है दीपावली तक, ये तो बहुत कठिन हो गया। और जो व्रत हमें रोज रोज करना पड़े वो तो हमारे लिए संभव नहीं होता, आप कोई ऐसा व्रत बता दो जो साल में एक बार आए और फल इतना मिल जाए कि साल भर खाते रहें। साल में एक बार भी आए तो उसमें हमें व्रत ना करना पड़े, कुछ खाने का ही व्रत बता दो आप, नहीं समझ में आया, जिसमें मैं कुछ खा सकूं। सुन रहे हो कितना बेतुका प्रश्न है, सेठानी है कुछ भी कह सकती है। अब उसके मन में विचार आया कि महाराज से व्रत लेंगे तो महाराज जब भी देखो तो छोड़ने की बात तो कहते हैं, इस व्रत में तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, इस व्रत में तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, उपवास करना, एकासन करना, हम तो ऐसा व्रत चाहते महाराज जिसमें आप हमें कुछ खाने की सलाह दें, खा करके व्रत किया जाए। तो उस समय पर वह मुनि महाराज ने उसकी मनोभावनाओं को देखते हुए उससे कहा, कोई बात नहीं सेठानी, तुमने जैसी भावना व्यक्त की है मैं उसी के अनुसार तुम्हें एक व्रत बताए देता हूं। सुन रही हूं सेठानी, महाराज ने कहा ये जो रोट तीज व्रत होता है इसको 24वां व्रत बोलते हैं, श्री 24वां व्रत है ना, और यह साल में एक बार ही करना होता है, भाद्रपद शुक्ला तृतीया की तिथि में इसको साधा जाता है, और जिस दिन यह व्रत किया जाता है उस दिन सामायिक भी करना, ध्यान भी करना, 2400 तीर्थंकर भगवान की पूजा विधान भी कर लेना।
सुन रहे हो? लेकिन एक वक्त का भोजन कर लेना, तुम्हें खाने की पड़ी है ना, तो एक वक्त का भोजन कर लेना। एक आसन जिसको कहते हैं, अनशन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक आसन करके कर लेना, लेकिन तुम्हें अगर बहुत अच्छा ही खाना है तो अच्छे से जो भी तुम्हारे लिए छह रस मिले, उन छह रसों का भोजन एक साथ एक बार में ही तैयार करके उसका आप भोजन कर लेना। सुन रहे हो? देखो मुनि महाराज कैसे कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते? जो जैसा कहता है वो वैसा ही मान लेते हैं। महाराज हमसे सत्ता नहीं है उपवास, तो ठीक है एक बार खा लेना। एक बार खाने में भी वो सूखा सूखा नहीं खाया जाता, अरोना, क्या बोलते आप लोग, अरोना अलोना, हाँ अच्छा अलोना माने बिना लोन का, वो नहीं खाया जाता। अलोना का मतलब हाँ जिसमें लोन ना हो उसको बोलते हैं अलोना, है ना, लबड़ का ही जो है अपना भाषा में बदल करके रूप क्या बन गया, अलूना। अरे वो अलोना अलूना एक ही बात है, वो जिसमें नमक ना हो तो फिर उसमें कोई स्वाद आता नहीं। ऐसा बिना स्वाद का बिना रस का भोजन करके भी महाराज काम चलता नहीं और दिन भर चक्कर आते हैं, कुछ भीतर जाता नहीं। तो आप कुछ ऐसा बताओ, खाने का खाना भी हो जाए और व्रत का व्रत भी हो जाए। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, एक आसन कर लेना, छह रसों का त्याग तैयार करके, त्याग करके नहीं, समझ आ रहा है, छह रसों का एक साथ तैयार कर लेना, एक बार में ही छह रसों का सेवन करके आप षटरस मिश्रित भोजन से ये भूख तो मेरी शांत हुई। ऐसे आप एक बार षटरस मिश्रित भोजन को करके भी इस व्रत को कर लेना, लेकिन एक काम कर लेना, एक ही अन्न से उस दिन काम चला लेना, है ना, और एक ही अन्न को एक ही वक्त खाना, एक ही अन्न की जो भी आप चीजें बना पाए बना लेना, और उसी अन्न से आप एकासन कर लेना, और उसी समय पर पानी आदि का भी जो ग्रहण करना है वो भी कर लेना, और अच्छे ढंग से शुद्धता से व्रत करना हो तो अंतराय के पालन के साथ नियम पूर्वक इस तरह का व्रत करने का भाव कर लेना। तो सेठानी का मन बन गया महाराज के कहने से, है ना। अब सेठानी जब तक तो कथा सुनने आई थी तब तक तो उसका मन बन गया और उसने व्रत ले लिया, और व्रत लेकर के जब घर पर गई तो घर के लोग उसके लिए कहने लगे ये क्या है, हम तो दिन भर खाने वाले लोग हैं, एक बार खा करके कैसे काम चलेगा, तुम नहीं खाओगी तो ये तुम्हारे बच्चे कैसे खाएंगे, बहुएं कैसे खाएंगी, ऐसे जो है घर में सब लोग परेशान करने लग गए। तो सेठानी ने कहा ठीक है आप लोग कहते हो तो हम व्रत नहीं करेंगे। सुन रहे हो, महिलाएं तो महिला ही होती हैं, कोई भी हिला दे उसका नाम महिला होता है, है ना। तो जो उनसे जैसा कह दे जैसे भी हिल जाए वो हिल जाती हैं, इसीलिए उनमें स्थिरताएं कम होती हैं, है ना, बुरा नहीं मानना। हाँ कुछ कुछ होती हैं, दृढ़ चित्त वाली भी होती हैं, पक्की भी होती हैं, और ऐसी भी पक्की होती हैं कि घर को हिला दें लेकिन अपने व्रत को ना हिलाएं, ऐसी भी होती हैं। तो दोनों तरह की होती हैं। अब वो सेठानी के लिए मन हिल गया उसका, घर के बच्चों के कहने से बहुओं के लाड़ प्यार में आकर के उसका मन फिर हो गया, अरे हाँ एक बार भोजन करके इतना बड़ा दिन कैसे निकालेंगे, 24 घंटे कैसे निकलेंगे। तो फिर उसने क्या किया कि उसने उस व्रत का त्याग कर दिया, व्रत को ही त्याग कर दिया, जो नियम लिया था उसको ही उसने छोड़ दिया। जब वो नियम छोड़ दिया तो अचानक से उसके घर का सारा खेल पलट गया, सेठ जी के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा, और उस व्रत का भंग हो जाने के कारण से एकदम से घर में धीरे धीरे से बिल्कुल दरिद्रता आ गई,
सुन रहे हो, कठिन काम है। नियम को लेने के उपरांत फिर उसका निर्वाह करना, उसको बनाए रखना अपने आप में बहुत कठिन बात होती है। अब जब ऐसा हो गया तो सेठ जी के जितने भी जहाज आते जाते थे वो सब धीरे धीरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद सा हो गया। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि घर की स्थिति पूरी खराब हो गई और सेठ जी को अपने बेटे बहुओं सबके साथ घर छोड़ करके उस उज्जैनी से बाहर निकलना पड़ा। समझ आ रहा है? जो कथा है वो मैं आपको बता रहा हूं, रोट बनाने में तो सब लोग लगे हुए हो। अब ये रोट तीज व्रत की कथा चौबीसी भगवान की पूजा से संबंधित कथा थी। ये चौबीसी भगवान की उस दिन पूजा करना, एक बार सट रस मिश्रित भोजन भी कर लेना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन करना क्या था? पूजन करना, विधान करना, ये तो कुछ होता नहीं। महाराज ने कहा था सामायिक करना, ध्यान करना, दिन भर धर्म ध्यान से गुजारना, ये तो कुछ होता नहीं, बस रोट बना करके खाने बैठ जाते हैं। अब जो कथा वास्तव में है अगर उस रूप में भी की जाए तो ये एकासन व्रत की कथा है। साल में आप एकासन भी कर पाए, नियम पूर्वक कर पाए, और यह भी कहा गया है कि यह व्रत तीन बार अथवा 24 बार आपको जो है 24 वर्ष तक करना चाहिए। माने साल में तीन, तीन साल तक भी कर सकते हो और 24 साल तक भी कर सकते हो। तो चलो वो कोई बात नहीं, तीन साल तक करना है कि 24 साल तक करना है, लेकिन अगर आपको एक बार भी व्रत करना है तो एक बार व्रत करने की वह विधि है उसमें थोड़ा धर्म ध्यान भी है कि नहीं है, ये देखो आप। अगर धर्म नहीं होगा तो फिर वो धर्म व्रत कैसे कहलाएगा? खाना बुरी बात नहीं, खा लो, एक बार खा लो, अच्छे से खा लो, जो अच्छा लगे वो खा लो। समझ आ रहा है? घेवर भी खा लो, फैनी भी खा लो, गुल्ला भी खा लो। कौन सा गुल्ला? हाँ वो भी खा लो, रस का। जो भी आपको खाते बने, बालूशाही, मीठा, समोसा, जो भी खाते बने सब खा लो, एक बार में खा लो। समझ आ रहा है? और एक बार खा कर के भी आप दिन भर क्या करो, पड़े पड़े आराम नहीं करना, धर्म ध्यान करना, विकथा नहीं करना, पार्श्व कथा सुनना। पार्श्व कथा छोड़ करके रोट तीज करोगे तो फिर रोट तीज का ही। कथा सुनना, विकथा नहीं करना, ऐसा उस कथा में लिखा हुआ है। भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा करना, मुनि महाराज हो तो उनसे निवेदन करना, महाराज मुझे कथा सुनाओ, और कथा सुनाने महाराज बैठे हैं तो तुम रोट तीज बनाने मनाने के लिए रोट बनाने लग जाओ तो तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी है। समझ आ रहा? यह हमारे अंदर विचार होना चाहिए कि अगर वह पर्व धार्मिक है तो धर्म की सभा में पहले हमें उस धार्मिकता के साथ में उस पर्व को मनाना चाहिए, धर्म का उपदेश सुनना चाहिए, उसके बाद में हमें कोई दूसरा काम करना चाहिए। भाई दिन भर पड़ा हुआ है, बनाते रहना, खाते रहना, मना कौन कर रहा है? तो आचार्यों ने इस तरह से यह धर्म की आराधना करने का एक दिन बताया कि शुक्ल पक्ष में भाद्र मास में तीसरी तिथि के दिन तीज को इस तरह से ये व्रत किया जाता है, चौबीसी भगवान की उसमें पूजा आदि की जाती है, सामायिक आदि करके दिन भर अपना धर्म से गुजारना। सेठानी के लिए मंजूर नहीं हो पाया, घर में जाकर के उसके घर के लोगों ने उसे बहुत परेशान कर दिया, उसने व्रत छोड़ दिया, पूरे घर में दरिद्रता छा गई और उसके बाद में वह सेठ जी अनेक जगह पर सहायता लेने के लिए पहुंचे, यहां तक कि अपनी बेटी के घर पर भी पहुंचे, बेटी ने सहायता नहीं दी और दी तो उनके काम में नहीं आई। अपनी ससुराल में गए वहां पर भी सहायता नहीं मिली, अपने मित्र के पास गए वहां पर भी सहायता नहीं मिली, और दुनिया में भटकते भटकते एक बार फिर जब वह चंपा पर पहुंचे तब वहां पर एक दूसरे सेठ जी थे, उनके घर पर रुके, तब वहां पर भी उनकी सेठानी इसी तरह का व्रत मनाती थी और उस सेठानी ने उसी दिन संयोग से वो वहीं पर रहने लग गए,
उनका सबका निर्वाह वहीं सेठ के यहाँ होने लग गया। तो उस सेठानी ने, जो चंपापुर के सेठ की सेठानी थी, वहाँ उस सेठानी ने उनसे कहा कल यह व्रत करना है। और इस तरह से व्रत करने के लिए उसने रोट बनाई, और वह जो है जो उज्जैनी के सेठ थे सागरदत्त सेठ, उनकी सेठानी के लिए दिया कि आपको इस रोट को लेना है। और इस तरह से वह धीरे धीरे, जब उनके पाप कर्म का फल हल्का हो गया, तब जाकर के उसके हाथ में वो रोट आई। तो वह रोट उसके हाथ में इस रूप में आई कि पहले उस सेठानी के मन में विचार आ गया, अरे ये तो उसी व्रत की बात कर रही है जो व्रत मैंने पहले लेकर के छोड़ दिया था, उस व्रत को हमने भंग कर दिया था। तब उसे ख्याल आया कि शायद यह उसी व्रत को तोड़ने के कारण से हमारी यह दरिद्रता आई, क्योंकि सेठानी ने कहा इस व्रत से लक्ष्मी संपन्न बनते हैं। यह उस सेठानी ने बताया, कहां पर? चंपापुर की सेठानी ने। तब उसे याद आया कि व्रत से अगर लक्ष्मी संपन्न बनते हैं, वैभव संपन्न बनते हैं, तो इस व्रत का हमने त्याग कर दिया, इसलिए आज हमारे लिए ये दरिद्रता आ गई। उसे पश्चाताप हुआ, और जब उसने प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, उसके बाद में उसने मन बना लिया कि अब हम भगवान की कल पूजा करके यह व्रत करेंगे। ऐसा उसने मन बना लिया, और उसने सुबह सुबह उठ करके जल्दी से 2400 भगवान की पूजा कर ली, व्रत मना करने का भाव फिर से बना लिया। और जैसे ही उसने ऐसा भाव बनाया, उसके पुण्य की ऐसी उदीर्णा हुई कि जो चंपापुर की सेठानी ने उस उज्जैनी की सेठानी के लिए हाथ में रोट दिया, वो रोट आटे का दिया था, सोने का हो गया। समझ में आ रहा है? जब उसने देखा सेठानी ने ये सोने का हो गया, तो उसने ये समझा कि सोने का ही तो कहीं ये रोट इसको नहीं हाथ में पकड़ा दिया, और ये सोने का रोट है तो इसके हाथ में कैसे आ गया। तो उसने तुरंत चाल चली, उसने कहा नहीं, आज हमारे घर में दो रोट बने थे, एक सोने का एक आटे का, लगता है सोने वाला तुम्हारे हाथ में पहुंच गया, लाओ इसको मुझे दे दो। सुन रहे हो, स्त्रियों की कहानी ऐसी होती है। तो उसने जैसे ही देखा कि उसके हाथ में सोने का है और उसने लिया, तो उसके हाथ में जैसे ही वो रोट पहुंचा तो वो फिर आटे का ही हो गया। तब उसको समझ में आया इसके पुण्य का अब उदय आ गया है, और यह भी अब लक्ष्मी संपन्न इस व्रत के माध्यम से आज से ही हो गई है, इसलिए उसने उसको उसका रोट दे दिया। और तब से कथा चल पड़ी, भैया रोट तीज का व्रत करो, घर में जितनी रोट बनाओगे उतनी लक्ष्मी आएगी, बनाओ मोटी मोटी रोट और मोटी मोटी लक्ष्मी आने दो। लेकिन उसके बाद शायद किसी की रोट सोने की ईंट में बदली नहीं है, सोने की रोटी में बदली नहीं। क्यों नहीं बदली? क्योंकि भाव पहले से ही भगवान की पूजा का नहीं है, किसका है, बस भाव खराब है। अब ये व्रत हमारे लिए किस तरह से महिमा संपन्न हो, इस व्रत की हमारे लिए कैसे पालना हो और इसका फायदा हमें कैसे मिले, ये बात आप समझ सकते हो। केवल खाने से सब कुछ नहीं मिलता, खाने के पीछे भी थोड़ा सा धर्म तो करना ही पड़ता है। समझ आ रहा है? हाँ, जिस कंपनी से आपको फायदा मिलता है, जो कंपनी आपको सर्विस देती है, जो कंपनी आपके लिए किसी भी तरह का जॉब देती है, तो उस कंपनी के कुछ कायदे कानून भी आपको मानने पड़ते हैं। वो चाहे आपको घर में भी मानने पड़ेंगे तो मानने पड़ेंगे, घर से बाहर निकलोगे अगर वो कहेंगे कायदे कानून, जो उनके नियम होते हैं वो आपको मानने पड़ते हैं, तभी आप उस कंपनी के द्वारा दिए गए धन का फायदा उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आता? ये धर्म की भी एक कंपनी है बहुत बड़ी। समझ आ रहा है? ये तीर्थंकरों के द्वारा एस्टेब्लिश की हुई ये बहुत बड़ी कंपनी है, और ये हजारों वर्ष पहले से चलती आ रही है।
और हजारों वर्ष आगे तक चलती रहेगी। इस कंपनी में जो भी आपको मिलता है वो आपकी अच्छाई के लिए होता है, आपकी समृद्धि के लिए होता है, आपको लक्ष्मी संपन्न बनाने के लिए भी होता है, लेकिन कंपनी के कुछ नियम कानून तो आपको मानने ही पड़ेंगे। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतने ही अच्छे उसके नियम कानून होते हैं। सख्त आपको लग सकते हैं लेकिन कानून सख्त होने के साथ साथ अच्छे होते हैं, समझ आ रहा है? जितनी हल्की कंपनी, छोटी मोटी, आपने कोई भी स्टार्टअप शुरू कर लिया, उसमें देखना आप एक छोटा सा ऑफिस होता है, 2-4-10 लोग आ जाते हैं, वो कैसे भी कपड़े पहन करके आ जाते हैं, समझ आ रहा है? आज सुबह सुबह एक आपकी बेटी आ गई फटी जींस पहन करके, समझ आ रहा है? तो मैंने देखा, भाई कहाँ जा रहे, क्या कर रहे? बोले शेयर की जॉब करते, शेयर मार्केट में जा रहे हैं, समझ आ रहा है? होगी बस वही 2-4 लोगों की कंपनी। अगर आप अच्छी कंपनी के लोगों को देखेंगे तो वो आपको दिखेगा, उनका एक ड्रेस कोड होता है, समझ आ रहा है? कभी भी आप देख लेना, चाहे रिलायंस कंपनी में चले जाना, चाहे अडानी के पास चले जाना, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, जहां तक कि अगर आप पाटनी के उस बंडर सीमेंट में भी चले जाओगे तो भी आपको वहां पर एक ड्रेस कोड दिखाई दे जाएगा। हर कंपनी का एक अपना ड्रेस कोड होता है, वहां के लोग ऊपर से नीचे बिल्कुल अप टू डेट दिखाई देते हैं, और वह एक ही ड्रेस पहन करके आते हैं, एक ही ड्रेस पहन करके घर तक पहुंचते हैं, घर में पहुंचने के बाद अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, समझ में आ रहा है? आप कहोगे, महाराज हम पहले जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब हम ड्रेस पहनते थे, तब ड्रेस कोड चलता था, समझ आ रहा है? ड्रेस कोड कब तक चलता था? जब तक कक्षा 8 तक, बहुत बहुत ज्यादा 10 तक। हाँ, फिर माने हमने भी वो जो अनुशासन देखा वो 10वीं तक ही देखा। 10वीं के बाद में फिर जैसे ही वो इंटरमीडिएट कॉलेज कहलाते हैं उधर यूपी में, यहाँ स्कूल ही चलती है 12th तक, वहाँ 11th-12th कॉलेज कहलाते हैं वो, तो वहां पहुंचने के बाद में सब बिल्कुल कॉलेज जैसे ही हो जाता है 11th से ही। 10th तक तो बस कुछ ड्रेस कोड रहा, और उसके बाद में फिर सब अपने मन का, चाहे जींस पहन के आओ, चाहे कुछ पहन के आओ। जैसे ही बच्चे के अंदर यह महसूस होने लग जाता है कि अब यहां पर कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो वो समझने लग जाता है, हाँ अब मैं बड़ा हो गया हूं, समझ आ रहा है? अनुशासन आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे छोटा बनाने के लिए किया जा रहा है। वही व्यक्ति जब अच्छी पढ़ाई करने के बाद में जब जॉब करता है, तब जॉब करने के लिए जिस कंपनी में, अच्छी कंपनी में पहुंचता है, वहां उसे फिर वही अनुशासन उसके सामने आता है, तो उसे याद आता है, मैं तो पहले बचपन में ड्रेस कोड के अनुशासन के साथ चलता था, अब इतना बड़ा टाइम गुजारने के बाद, अब इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए मुझे फिर से यही टी शर्ट और यही पैंट और यही जूते और यही टाई पहननी है, पहननी है तो पहननी है, समझ आ रहा है? अनुशासन हर लेवल पर होता है, बड़े लेवल पर भी होता है, छोटे लेवल पर भी होता है, और जहां अनुशासन नहीं होता है वहां पर कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं होता है। हर कंपनी का अपना अपना नियम होता है, अगर वह नियम आप बना करके चलते हैं तो ही आपको उस कंपनी के फायदे मिलते हैं। ये तीर्थंकरों की कंपनी है, अगर आपको यहां से कुछ लेना है तो वह धर्म के साथ ही मिलेगा। केवल मौज उड़ाने के लिए कुछ नहीं होता है, मौज तो उड़ाओ लेकिन धर्म के साथ उड़ाओ। अनशन करते हुए भी आपके अंदर मौज रहनी चाहिए। कैसी मौज? सुन रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। कैसी मौज? जैसी मौज हमें खाने में आती है वैसी नहीं खाने में भी मौज आनी चाहिए, तो वो अनशन तप होता है। नहीं समझे? हमने ऐसा क्यों सोच रखा है कि खाकर ही मौज उड़ाई जाती है? अरे भाई बिना खाए भी हम मौज उड़ा सकते हैं ना, मौज तो सिर्फ एक मन के मूड की बात है ना। आज हमने नहीं खाया तो हम इसी बात की मौज उड़ाएं, आज हमें नहीं खाना, आज हमें नहीं खाना, आज हमने तप किया, हमारे लिए खुशी की बात है, मुंह बनाने की क्या बात है?
व्रत भी करो तब भी करो तो किससे करो? खुशी से करो। आज हम पूरा दिन, अरे ये पहले जो मैं काम करता था ना घर के, वो घर के अब कोई काम वाम नहीं करूंगा, आज मैं बिल्कुल मौज में रहूंगा। क्या करूंगा? आज तो बढ़िया बढ़िया शास्त्र पढ़ूंगा, महाराज के प्रवचन सुनूंगा, आज तो मैं बिल्कुल धर्म ध्यान से मौज में रहूंगा। ये मौज का मूड नहीं होता क्या? बोलो तो, ऐसा मूड नहीं बना पाओगे? व्रत में भी हम प्रसन्न अगर हों, भीतर से खुश रह करके उस व्रत को अपनाएं, तो क्या हम प्रसन्नता के साथ व्रत नहीं कर सकते? हमने ऐसा क्यों माहौल बना रखा है समाज के अंदर, घर के अंदर, परिवार के अंदर? जिस दिन व्रत होता है उस दिन सबका मुंह लटका रह जाता है। क्या एक बार खाने से मुंह लटक जाता है, या हमारे दिमाग में यह चलता है हम आज एक ही बार खाए थे तो मुंह किस लिए लटकता है? दिमाग में चलता है हम रोजाना तो 10 बार खाते थे, आज हमने एक ही बार खाया। अरे भाई ये क्यों सोचता है एक ही बार खाया? इसको भी पॉजिटिव वे में लेना कि हमें आज एक बार भी खाने को मिल गया, बहुत बड़ी बात है। आज मेरे मन में बहुत प्रसन्नता है, आज हमने एक बार खा लिया। और ऐसा वैसा नहीं खा लिया, अलौना नहीं खा लिया, क्या खा लिया? हाँ सब खा लिया, नमक भी था, चटपटा भी था, है ना, और मीठा भी था, खट्टा भी था, सब खा ले, बीमार मत पड़ जाना, बस सब खा के इतना ही खाना। जब वे व्रत को भी हम आनंद के साथ मनाएंगे तो सामने वाले घर के जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आता है। घर के लोग व्रत के नाम से इसीलिए डरते हैं कि जब कोई घर में एक व्यक्ति व्रत करता है तो दूसरा व्यक्ति मुंह बाद में बनाता है, पहले उसका मुंह बन जाता है, समझ आ रहा है? और कभी कभी क्या होता है, घर के दूसरे व्यक्ति भी जो है उसे इतना टॉर्चर करते हैं। हाँ किसके कारण? राग के कारण, मोह के कारण। अब बताओ, सेठानी अगर एक टाइम का व्रत कर लेती सटरस भोजन के साथ में तो क्या घाटा हो जाता, और सेठ जी ने उसका व्रत तोड़वा दिया, सारे लड़कों ने बहुओं ने मिलकर के उसका व्रत तोड़वा दिया। आज घर घर में यही हो रहा है। कोई भी अगर घर में व्यक्ति, मान लो ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही घर में कि महाराज घर में कभी आलू प्याज नहीं आता था, लेकिन घर के सब सदस्यों का एक मन नहीं रहता तो आलू प्याज लाना पड़ता है, नहीं तो हंगामा मचा देते हैं। अब वो सदस्य कोई भी हो सकते हैं, घर के सारे चारों मेंबर 10 मेंबर एक भाव के हों, ये बहुत बड़ी कठिन बात होती है। माता पिता धर्म करते हैं तो बेटा बेटी मुंह बनाते हैं, बेटा बेटी धर्म करते हैं तो कभी कभी माता पिता मुंह बनाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। कहां से सीख के आ गई तू, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना? पिताजी कहते हैं बेटे से, बेटी से, तो उस बेटा बेटी को भी फिर वो व्रत छोड़ना पड़ता है, जबरदस्ती खिलाया जाता है। हर घरों में इस तरह की जबरदस्तियां चल रही हैं, या तो बड़े लोग व्रत करते हैं तो छोटे लोगों का मन नहीं बनता, और छोटे करते हैं तो बड़े का नहीं बनता। अब आप सोचो, आलू प्याज ये क्या इतनी जरूरी चीजें हैं कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? अगर हम 10 लक्षण के 10 दिनों में आलू ना खाएं, प्याज ना खाएं तो क्या मर जाएं? जो साधु संत अनेक तरह के व्रती लोग ये सब आलू प्याज नहीं खाते हैं तो क्या सबको बीमारियां हो जाती हैं? सबके पास कोई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कोई भी नहीं, कुछ नहीं होता क्या? सब बिना वजह के ऐसे जीते रहते क्या? ये जो मानसिकता बनी हुई है वो मानसिकता धर्म विरुद्ध मानसिकता बनी हुई है। घर में धर्म नहीं करना, ये भी मानसिकता कई लोगों की बनी रहती है, घर में धर्म नहीं लाना, धर्म से इतनी चिढ़ होती कई लोगों, बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है। धर्म के नाम पर अगर कुछ छोड़ोगे तो नहीं चलेगा। एक दिन आलू नहीं बनाओगे, कोई दूसरी चीज बना लोगे तो चलेगा। बोले आज हमने आलू नहीं बनाया, क्या बनाया? बोले देखो आज हमने केले के आइटम बनाए, बच्चे खुश, समझ आ रहा? लेकिन यूं नहीं कह देना उनसे कि हमने आज आलू का त्याग कर दिया। आप समझो इस मानसिकता को, ऐसा नहीं है कि बिना आलू के वो रह नहीं पाए,
उनसे ये कहो कि आज हमने आलू की जगह पर केले के आइटम बनाए, केले की सब्जी बनाई है, केले के पकौड़े बनाए हैं, केले के पराठे बनाए हैं, सब बनाए हैं, तो सब खा लेंगे। और अगर तुमने ये कह दिया कि भाई आज मेरा आलू का त्याग था इसलिए आज मैंने आलू का कोई आइटम नहीं बनाया है, तो हंगामा हो जाएगा। सुन रहे हो, ये पढ़े लिखे लोगों की ये टेंडेंसियां आपको बता रहा हूं मैं। जिन पढ़े लिखे लोगों में इतनी भी सोचने समझने की क्षमता नहीं रही कि हम अगर एक दिन दो दिन या पर्व के दिनों में अगर हम इस तरह से अपने आप में थोड़ा सा भी कुछ व्रत रखते हैं तो इससे क्या नुकसान है भाई। हम तरह तरह की चीजों में एंजॉय करते हैं, कभी हम खाने में एंजॉय करते हैं तो कभी हम त्याग में भी तो एंजॉय कर सकते हैं। पढ़ा लिखा उसी का नाम होता है जो हर बात को ढंग से समझे, जो जिद्दी हो जाए वो पढ़ा लिखा नहीं कहलाता। अगर बच्चा जिद्दी होकर के कोई भी अच्छी बात को समझना नहीं चाहता, किसी भी एंगल से समझना नहीं चाहता, तो वो बच्चा अपने आप में धर्म विरुद्ध चलता है और उसके कारण से उसे बहुत तरह के नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। हर घर के अंदर धर्म विरुद्ध माहौल बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। आप 10 धर्म की तैयारी कर रहे हो, आने वाले दिनों में 10 धर्मों की चर्चा करने जा रहे हो, लोग जगह जगह पर 10 धर्मों के शिविर लगाने भी जा रहे हैं और लग भी रहे हैं और सब लगवाते हैं हर मंदिरों में, लेकिन सब धर्म विरुद्ध चल रहे होते हैं। घर में कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी नियम संयम का पालन करे तो आतंक हो जाता है, उसका व्रत तुड़वाने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। ये थोड़ा सा भी अगर व्रत नियम संयम की बात आती है तो इतना आतंक मच जाता है घर के अंदर कि उसे वह व्रत नियम का त्याग करने के लिए वापस महाराज के पास आना पड़ता है। आप आज इस रोट तीज व्रत की कथा सुनकर के, इस अनशन व्रत की महिमा सुनकर के यही विचार मन में ले आना कि हमें अपने घर में कौन सा माहौल बनाना है, धर्म का माहौल बनाना है या अधर्म का माहौल बनाना है। ज्यादातर लोग जो सामने होते हैं मुझे ऐसा लगता है ये बाहर से धार्मिक दिखते हैं, यहां आएंगे तो धर्म की बात करेंगे और घर पर जाएंगे तो अधर्म की ही बात करेंगे। इसलिए हर घर में अधर्म फैल रहा है, यहां तक कि लोगों को हमने यहां तक भी देखा है कि अगर किसी ने व्रत प्रतिमा ले ली तो लोगों को यह डर लगता है कि हमारे घर की बेटे बेटियों की शादी होगी कि नहीं होगी। जिनके यहां पर बच्चे व्यसनी नहीं होते हैं, अब माहौल देखो कैसा बनता जा रहा है, वहां पर पढ़े लिखे पिता अपनी बेटों की बेटियों की शादी नहीं करना चाहते हैं। यह सच्चाई बता रहा हूं आपको, ये सब आपके घरों में चल रहा है और कहीं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके ही वो घर हैं जो सब अच्छे घर कहलाते हैं, लेकिन बेटा या बेटी को अगर कहीं अच्छे ढंग से घूमने को न मिलता हो, बेटी के लिए कहीं पर भी अपना स्वतंत्रता से उसे घूमने फिरने की बंदिशें हो, तो वहां पर कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह नहीं करने देता। पहले पूछते हैं घर में क्या क्या मानसिकताएं लोगों की, क्या क्या सुविधाएं हैं, मेरी बेटी के लिए तो होटल में भी जाना जरूरी है। अगर आप कहोगे कि हमारे घर में होटल में कोई नहीं जाता तो नहीं देना मुझे अपनी बेटी को तुम्हारे यहां। सुन रहे हो सेठ लोगों, हाँ थोड़ा कान पर भी जू रेंग जाए और थोड़ी छाती पर भी सांप लौट जाए तो कुछ मेरे प्रवचनों का फायदा हो जाए, नहीं तो बेवजह कुर्सी तोड़ने का मतलब ही क्या है, समाज का नुकसान ही करोगे। आप सबके घरों में स्थितियां हैं और ये विचार आप लोगों को करना है कि हम अगर अब यहां कुछ होते हैं और घर में कुछ होते हैं तो ये बहुत बड़ा हम धर्म के साथ छल कर रहे होते हैं। आज व्यक्ति ऐसा घर नहीं ढूंढता अपने बेटे बेटियों के लिए जहां पर धर्म होता हो, ऐसा घर ढूंढता है जहां पर धर्म नहीं होता, कोई बंदिशें ना हो। अगर पता पड़ जाए कि इस घर में आलू प्याज नहीं खाई जाती है तो उस रात्रि भोजन नहीं किया जाता है तो
उस घर में बेटी को देना ही पसंद नहीं करते, इतने अच्छे पिता हो गए आजकल के, और यहाँ आकर के बड़ी बड़ी माला पहनेंगे धर्म मंचों पर चढ़ करके, धर्मनिष्ठ श्रावक हैं। सुन रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा कुछ भीतर भी उतारने की कोशिश करो, अब समय आ रहा है। ये धर्म के आने वाले 10 दिन हमारे लिए इसी तरह की एक भीतरी समझ तब देंगे जब हम भीतर से निश्चल होंगे, जब हमारे भीतर कुछ उतरेगा। खाना पीना मना नहीं किया गया, खूब खाओ खूब पियो, लेकिन अच्छा खाओ, समझदारी से खाओ, ऋतुओं के अनुसार भी देख करके खाओ, बीमार ना पड़ जाओ इतना खाओ, हित खाओ मित खाओ, ये सब कहा गया है, खाने को मना नहीं किया गया। लेकिन हमारी बुद्धि जब उल्टी चलती है तो हम गलत समय पर भी गलत भोजन पान करते हैं, सिर्फ इस जिद के कारण से कि हमें इसका त्याग नहीं करना है। ऐसे बच्चों को या माता पिताओं को हम कभी भी समझदार नहीं कह सकते हैं। आप लोग अपने अंदर समझदारी बढ़ाएं। राजा आनंद अनशन तप कर रहे हैं और फिर भी आनंद में मगन हो रहे हैं, समझ आ रहा है? ऊनोदर कर रहे हैं फिर भी अपने आनंद में लीन हैं, तरह तरह के तप कर रहे हैं फिर भी आनंद में हैं। इन राजाओं से हमें यही तो सीखना है कि जब राजा होकर के ये इतना आनंद ले सकते हैं व्रतों में तपों में संयम में त्याग में, तो हम क्या इतने बड़े राजा हो गए कि हम अब बिल्कुल धर्म विरुद्ध चलने लगे? अरे भाई, हम नहीं कर सकते, कोई धर्म करने वाला हो, कोई हमारे सामने कर रहा हो तो हम उसके लिए सहयोगी तो बने। अगर इस तरह का माहौल घरों में नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कभी भी धर्म को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं होगा। और जब घरों में धर्म का त्याग एक भी व्यक्ति कर देता है तो आज की इस रोट तीज की कथा से समझ लेना, नुकसान घर के सब लोगों को भोगना पड़ता है। सेठानी ने व्रत भंग किया, सेठ जी अपने बच्चों के साथ सेठानी को लेकर के बहुओं के साथ घर से बाहर निकलना पड़ा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। हो सकता है कि यह पाप हमारे लिए आज काम फल ना दे, आज हमारे लिए उदय में ना आए, अगले जन्म में आए, यह भी हो सकता है। तब भी यही बात याद रखना, कई बार घरों में देखा जाता है लोग कहते हैं महाराज हम धर्म तो बहुत कर रहे हैं फिर भी उन्नति नहीं हो रही है, दरिद्रता नहीं जा रही है। ध्यान रखना, पिछले जन्मों में आपने इसी तरह के व्रत लेकर के तोड़े होंगे, उसका फल आज तक आपको मिल रहा है। और अगर आप इस तरह से व्रत आगे करते रहेंगे तो आपको उन पिछले जो अव्रत हुए हैं, असंयम हुए हैं, पाप हुए हैं, उससे आपको मुक्ति मिल पाएगी। इसलिए व्रत हमें पुराने पापों से मुक्ति दिलाते हैं, यह हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? इसलिए अच्छी भावना करना सीखो। कितनी अच्छी भावनाएं आपको बता रहे हैं, व्रतों की भावना, तप की भावना, 12 भावना, 16 कारण भावना सब बता रहे हैं, मगर आप हो कि हम नहीं सुधरेंगे है? सबने यही फिल्म देख रखी क्या है? ऐसा ही कुछ है। चलिए, आपका काम नहीं सुधरने का है और हमारा काम सुधारने का, देखते हैं दोनों में कौन जीतता है, ठीक है? चलिए, आज फिर एक अच्छी भावना करते हैं, कौन सी? मार्ग प्रभावना। ओम ह्रीं अरं मार्ग प्रभावना ममास्तु, 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 ओम
सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बो, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।